तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में एकमात्र सारभूत अपना आत्म तत्व ही है, जिसे वीतराग और विशेष ज्ञान विज्ञानता कह करके पुकारा गया है। इन तीनों लोकों में यदि कुछ देखने लायक है तो वह एकमात्र अपना ज्ञायक भगवान आत्मा ही देखने लायक है। इसके अलावा इस पूरे जगत में और कुछ देखने लायक नहीं है। सुबह हमने 47 शक्तियों की चर्चा करते हुए एक सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा की थी कि जिसने अपने आत्मा को जाना, जिसने अपने आत्मा को देखा, उसने लोकालोक को देखा। लोकालोक को देखने से लोकालोक नहीं दिखते, लेकिन आत्म तत्व को देखने से लोकालोक स्वयमेव ज्ञान में झलक जाते हैं। इस लोक के संदर्भ में बहुत सारी बातें पिछले दिनों में आपके बीच में की जा चुकी है। लोक की विविध मान्यताओं की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। लोक कितने होते हैं, यद्यपि ये प्रश्न थोड़ा मजाक जैसा दिखता है, हंसी के पात्र जैसा दिखता है, तथापि हमारे जनागम में अनेक अनेक विवक्षाओं से लोक की चर्चाएं की है। वो सब चर्चा आपके बीच में हो चुकी है। लोक अनंत अलोकाकाश के बीच में वात वलयों के आधार से टिका हुआ है। उन वात वलयों की लंबाई चौड़ाई हमारे इस पूरे लोक का घनफल, क्षेत्रफल, ऊर्ध्व लोक का, अधोलोक का, ये सब बातें हुई। और इन सब के बीच में एक है त्रस नाड़ी। संपूर्ण लोक के बीच में त्रस नाड़ी है, जो त्रस जीवों के रहने का स्थान है। त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही रहते हैं ऐसा सारा जगत कहता है, लेकिन त्रस नाड़ी के बाहर भी त्रस जीव हो सकते हैं। इसके तीन प्रकार के उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलते हैं। एक है मारणांतिक समुद्घात, जिस अपेक्षा से यह बात कही। दूसरी बात केवली समुद्घात और तीसरी बात उपपाद की अपेक्षा से। देखिए, इसमें विचार करने की बात भी हमने आपसे कही थी, और अब हम चलते हैं तीनों लोकों का जो विभाजन का आधार है उसकी तरफ, माने सुमेरु पर्वत की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय सुमेरु पर्वत होगा, जो कि सुदर्शन मेरु नाम का पर्वत है। कहाँ है ये सुदर्शन मेरु पर्वत, कौन सी जगह पर है सुदर्शन मेरु पर्वत? नाम है इसका पूरा सुदर्शन मेरु, लेकिन सुदर्शन में से सु शब्द ले लिया और मेरु को एज इट इज रखा, तो सुदर्शन मेरु। इसे यदि हम शॉर्ट में कहेंगे तो हम कहते हैं सुमेरु। ये सुमेरु नाम का पर्वत ये तीन लोक के विभाजन का आधार है। क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से ऊर्ध्व लोक है, कहाँ से मध्य लोक है, मध्य लोक कितनी हाइट वाला है, अधो लोक कहाँ से शुरू होता है, इन तीनों लोकों का विभाजन कहाँ से किया जाए, है कुछ क्राइटेरिया आपके पास में? तो एक आधार है हमारे पास में, जिसे कहा है मेरु पर्वत। ये मेरु पर्वत के आधार से है। कैसे विभाजन होगा कि इस मेरु पर्वत से ऊपर ऊर्ध्व लोक है, मेरु पर्वत से ऊपर, माने ये जो सुमेरु पर्वत बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहाँ है सुमेरु पर्वत, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। इसकी हाइट वगैरह और बहुत सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज सुमेरु पर्वत के संबंध में, क्योंकि आज क्या है, क्विज है मेरु के संदर्भ में। सो ये जो सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चलो, टॉप पर, शिखर पर, तो एक बाल का अंतर है, सिर्फ एक बाल का। कि बाल किसका, लेडीज का या जेंट्स का?
बाल बाल कौन सा, कितना बड़ा बाल। तो सुनो भाई, बाल की लंबाई नहीं लेनी, आड़ा बाल लेना है, बाल की थिकनेस लेनी है, माने उस बाल की थिकनेस बराबर ये सुमेरु पर्वत से ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है, देव लोक शुरू हो जाता है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं वे स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। सुमेरु पर्वत के ठीक ऊपर से स्वर्ग शुरू हो गए, और सुमेरु पर्वत के नीचे चलें तो अधोलोक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सुमेरु पर्वत के नीचे माने कितना नीचे, सुमेरु पर्वत के नीचे माने कहाँ से। अभी ये जो सुमेरु पर्वत कहा है, इसकी लंबाई वगैरह की हम चर्चा करेंगे। ये सुमेरु पर्वत 99,040 योजन तो ऊपर है, अभी आएगी पूरी नाप, और 1,000 योजन इस सुमेरु पर्वत की डेप्थ है। क्या कल आपको एक बात बतलाई थी हमने कि जब हम यहाँ से नीचे की तरफ उतरते हैं त्रस नाड़ी में, तो नीचे 7 पृथ्वियाँ हैं। ध्यान है आप लोगों को, 7 नरक पृथ्वियाँ बतलाई गई थी कल। ये यहाँ 7 पृथ्वियाँ दिखा रखी है, एक रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 नरक पृथ्वियाँ हैं। इनमें जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, जिसका नाम है, याद है ना नाम, आपको पता है ना, नाम याद नहीं होगा तो क्या होने की संभावना है। दिक्कत आपको नहीं है, मुझे भेजोगे नरक में क्या। तो माने ये जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, इसके 3 हिस्से बतलाए थे, नाम क्या क्या थे किसको याद है, खर भाग, पंक भाग, अबहुल भाग, ठीक है। तो जो खर भाग था उसके कितने हिस्से बताए थे, खर भाग के भी 16 हिस्से बतलाए थे। 16 में से फर्स्ट नाम उसका चित्रा, लिख रहे हैं ना आप लोग, माने रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्सों में से, राजू भाई कल आप उधर चले गए थे, रत्न प्रभा पृथ्वी जो है ये पहली नरक पृथ्वी, इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में से फर्स्ट पार्ट, उस फर्स्ट में 16 हिस्से हैं, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से, 3 में से फर्स्ट के 16 हिस्से, 16 में से जो पहले नंबर वाला है चित्रा, 1,000 योजन का है। उस चित्रा पृथ्वी पर क्या है, उस चित्रा पृथ्वी में क्या है, माने उस चित्रा पृथ्वी में समुद्रों की गहराइयां हैं, उस चित्रा पृथ्वी में पर्वतों की जड़ है, पर्वतों की नींव है, उस चित्रा पृथ्वी में सोना चांदी हीरे जवाहरात माणिक मोती लोहा जस्ता ये सब तांबा, ये इन सब की खाने हैं, खदान माइंस हैं, वो सब इस डेप्थ में हैं। कितनी डेप्थ हो सकती है इसकी, 1,000 योजन की है चित्रा पृथ्वी की थिकनेस, 1,000 योजन की है। उस 1,000 योजन की थिकनेस में लवण समुद्र की गहराई, आगे जितने समुद्र हैं आपके, जितने समुद्र आसपास में दिखाई देते हैं, इन सब समुद्रों की गहराई और अपने जितने असंख्यात समुद्र कहे हैं सब समुद्रों की गहराई, मध्य लोक में जितने पर्वत कहे गए हैं सभी पर्वतों की डेप्थ माने जड़ नींव, नींव नहीं होगी तो पर्वत हिलने लग जाएंगे। तो सुमेरु पर्वत की नींव 1,000 योजन की है, जो चित्रा पृथ्वी की थिकनेस बराबर है, चित्रा पृथ्वी की थिकनेस बराबर 1,000 योजन की नींव। अब सुनो, ये जो 1,000 योजन की चित्रा पृथ्वी है ना, इस चित्रा पृथ्वी से नीचे चलो तो अधोलोक है, और ये जो चित्रा पृथ्वी है ये चित्रा पृथ्वी मध्य लोक में है। आपने रुचक प्रदेशों की चर्चा सुनी, रुचक प्रदेश है? रुचक प्रदेश क्या होते हैं, ये 8 रुचक प्रदेश होते हैं। 8 क्यों होते हैं, ये द्रव्यानुयोग का विषय है, सुबह चर्चा आएगी अपनी
कुछ शक्तियों में इस प्रकार की चर्चा आएगी आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, तब भी थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा मैं प्रदेशों के संदर्भ में। ये सेंटर है, रुचक प्रदेश कहते हैं सेंटर प्रदेशों को, केंद्र प्रदेशों को रुचक प्रदेश कहते हैं। तीनों लोकों का सेंटर वो लोक के आठ रुचक प्रदेश हैं, और आत्मा का सेंटर वो आत्मा के आठ रुचक प्रदेश हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर प्रदेश आठ कैसे होंगे? सेंटर प्रदेश आठ कैसे होंगे? सेंटर में तो कोई एक होगा, सेंटर तो एक होगा, क्यों साहब? बोलो कौशिक भाई, सुनो, एक नहीं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि केवल ज्ञान में लोक के प्रदेशों की संख्या इवन है, सम संख्या है, ऑड नहीं है, ध्यान है आपको? तो जब सम संख्या होती है तो उसमें सेंटर एक नहीं होता, दो होते हैं। उदाहरण के तौर पर 100 का सेंटर बतलाओ कितना होगा, 50 या 51? 50। 50 का सेंटर 50 है, 50 का नहीं, 100 का सेंटर, 100 का सेंटर तो 50 है ना, पक्का? बिल्कुल पक्का, लिखूं बोर्ड पर एक से लेकर के 100 तक की गिनती? आप यदि 50 को सेंटर कह देंगे तो लेफ्ट साइड में कितने अंक है, कितने डिजिट हैं, और राइट साइड में कितने हैं? 50। राइट साइड में 50 होंगे ना। अरे यार, आप लोगों को समझाना पड़ेगा ढंग से। कुछ समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? 1, 2, 3, 4, 5 और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए हम 49, 50, 51, 52 और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए ये 100। बराबर, अब सेंटर निकालो इसका, एक से लेकर के 100 तक का सेंटर निकालो। आपने कहा कि 50 है सेंटर, बराबर? यदि 50 सेंटर होगा, जयेश भाई क्या करना है बोलो, समाधान करो। रमेश भाई बहुत झमेला हो रहा है, देखो देखो इधर ध्यान से देखो फटाफट। ये देखिए, यदि हम 50 को सेंटर मानते हैं तो ये कितने डिजिट है इधर? 49। और 50 को सेंटर मान लिया तो ये इधर कितने हैं? 49। अब क्या करें, सेंटर निकालना है हमारे को, तो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 और 51, ये दो सेंटर होंगे, तो 49 इधर और 49 इधर। माने जब 100 हैं, माने यदि सम संख्या होगी तो सेंटर दो होंगे क्या? अब मैं कहता हूं, सुनो, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात कही मैंने, अब इस लाइन को ऐसे बनाओ, ऐसे पूरा स्क्वायर बना लो, स्क्वायर हो 100 ऐसे और 100 ऐसे, तो सेंटर कितने होंगे? तो सेंटर चार होंगे। घर जाकर के चेस बोर्ड पे देखना, 64 खाने होते हैं ना, चेस खेलते हैं कि नहीं, शतरंज, कितने खाने होते हैं उसमें? 64 होते हैं। उसका सेंटर पॉइंट देखना कितने हैं। जब आप सेंटर पॉइंट देखेंगे तो एक नहीं आएगा, ये चार खाने सेंटर दिखाई देंगे। माने जब हम सिंगल लाइन की बात करते हैं तो सेंटर दो होगा, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो सेंटर चार होंगे, जब हम क्यूब की बात करते हैं तो सेंटर आठ होंगे। बात ख्याल में आ रही है क्या? अब कैसे आठ होंगे, लगा लो आप एक से, अब जैसे चेस बोर्ड है मान लो, तो एक चेस बोर्ड रखा हमने, अब 64 रखो ऐसे लाइन से, एक के ऊपर एक, 64। अब सेंटर निकालो, तो बोले जो बीच वाले दो होंगे ना 64 में, 64 में बीच वाले दो कौन कौन से होंगे? थर्टी टू
और 32 और 33 आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे और जो लोग हैं उन लोगों की जो 32-33 नंबर का बोर्ड, 32-33 नंबर का बोर्ड, अब उनमें चार चार सेंटर वाले, तो सेंटर कितने होंगे? 8 होंगे सेंटर। मैं इसलिए बतलाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मगज में ये बात ख्याल में आए कि सेंटर 8 कैसे हो गए, ये रुचक प्रदेश 8 कैसे निकल करके आ गए। चलिए 8 रुचक प्रदेश हो गए। अब मुझे ये बतलाना है, ये रुचक प्रदेश आत्मा का भी सेंटर है। जब लोकपूरण समुद्घात की स्थिति बनती है, जो कल परसों आपको समझाया था, संपूर्ण लोक में जब आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो उस लोकपूरण समुद्घात की स्थिति में आकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आ जाता है। जब लोकपूरण केवली समुद्घात होता है, तो लोकाकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश, ऐसे पूरे लोकाकाश में आत्मा फैला हुआ होता है। तो पोजीशन क्या बनेगी कि लोक के जो सेंटर के 8 प्रदेश हैं, उस जगह पर आत्मा के भी सेंटर के 8 प्रदेश होते हैं। वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना क्या कहा मैंने। लोकाकाश के जो सेंटर है, जब पूरा आत्मा उन प्रदेशों पर फैल गया, तो आत्मा का जो सेंटर है, वो सेंटर के 8 प्रदेश लोकाकाश के सेंटर के 8 प्रदेशों पर स्थित होते हैं उस काल में। तो साहब क्या महिमा है इसकी? महिमा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, कुछ चर्चाएं समाज में चलती है कि वे 8 प्रदेश निरावरण होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करें ना, तो ऐसा है नहीं। उसका कारण ये है, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि यदि उन 8 प्रदेशों पर आवरण नहीं माना जाए, उसे निरावरण माना जाए, तो उन 8 प्रदेशों में कैसे केवल ज्ञान होने का प्रसंग प्राप्त हो, ये समस्या आएगी। एक और चर्चा समाज में कुछ ऐसी चलती है कि वे 8 प्रदेश घूमते नहीं है, जैसे अपनी बॉडी में पूरा आत्मा राउंड लगा रहा है, घूम रहा है पूरा आत्मा, चक्कर लगा रहा है, तो जो 8 प्रदेश है ना, वो घूम नहीं रहे हैं। क्या नहीं घूम रहे हैं प्रकाश भाई? घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं स्वानुभव जी? हाँ, पर मतलब वो घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे, मेरा तो ये प्रश्न है। थोड़ा और आगे आ जाइए साहब, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। थोड़े समय में आपको यहाँ वस्त्रापुर मंदिर का बगल वाला एक प्लॉट और खरीद करके और बड़ा करना पड़ेगा। क्यों, अच्छी बात नहीं है क्या? खराब बात है क्या बाजू वाला? चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए, मुझे क्या कहना है आपसे, मुझे ये कहना है कि वो जो 8 प्रदेश हैं, मैं सुबह की चर्चा में करूँगा, अभी लोक की चर्चा करता हूँ। मतलब 8 प्रदेशों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात यहाँ मुझे लोक के विभाजन के संदर्भ में कहनी है, उसे देखिए आप, सामने देखो। यहाँ क्या है स्थिति कि ये जो 8 प्रदेश है ना, उनमें से 4 प्रदेश तो हैं मध्य लोक में, 8 में से 4 ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 है अधोलोक में। इतना बारीकी से केवल ज्ञान में विभाजन किया है, नहीं समझ में आया ऊपर से चले गई बात, वापस सुनो। सुमेरु पर्वत, इस सुमेरु पर्वत की नीचे से अधोलोक है, बराबर। सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्व लोक है, सुमेरु पर्वत की हाइट बराबर मध्य लोक है। नीचे चले, सुमेरु पर्वत की जड़ चित्रा पृथ्वी तक है, तो चित्रा पृथ्वी और वज्रा पृथ्वी जो है ना, दोनों पृथ्वियाँ, 16 पृथ्वियों में से चित्रा और वज्रा, इन दोनों में से जो लोक का सेंटर है
आठ प्रदेश, उनमें चार प्रदेश तो चित्रा पर हैं और चार वज्रा पर हैं। माने केवल ज्ञान की सूक्ष्मता की बात बतला रहा हूं मैं। केवल ज्ञानियों का ज्ञान कितना सूक्ष्म है और कितना बारीकी से लोक के विभाजन की चर्चा की है। चलिए अपन तो आगे बढ़े, यहां से कहां आ गए अपन, नीचे पहुंच गए अपन, नीचे अधोलोक। कितना हो गया अधोलोक? मेरु पर्वत से की जड़ के नीचे से अधोलोक की शुरुआत, बराबर। और चलो मध्य लोक की ऊंचाई कितनी है? एक लाख चालीस योजन, लिखने में गड़बड़ नहीं करना, एक लाख चालीस हजार नहीं है, हजार नहीं है, एक लाख चालीस योजन ये मध्य लोक की हाइट है। माने मेरु पर्वत तीन लोक का मानदंड होने से मेरु कहलाता है, ऐसी व्याख्याएं की है मैंने थीसिस में, कई प्रमाण दिए इस तरह के, तीनों लोकों का मानदंड होने से ये मेरु कहलाता है। ये जो चर्चा मैं आपके बीच में तीन लोक के विभाजन की मेरु संदर्भ में कर रहा हूँ, ये सभी दिगंबर जैन ग्रंथों में आपको ये चर्चा मिलेगी। यद्यपि जैन भूगोल की ये चर्चा, जैन ज्योग्राफी की ये चर्चा, तीन लोक की ये सब चर्चाएँ दिगंबर और श्वेतंबर दोनों ही प्रकार के संप्रदायों में एक समान रूप से मान्य है, कहीं फर्क नहीं है कुछ भी। किंचित फर्क है, 0.00001%, इतना सा फर्क है। माने हजारों लाखों करोड़ों बातों में से कोई एकाध बात में कुछ 19-20 फर्क मिलेगा, इतना सा फर्क दिखता है। उसमें एक फर्क यहाँ भी है, इस प्रकरण में भी। मैंने दोनों साहित्य पढ़े हैं इसलिए मैं आपसे बात कह पा रहा हूँ। वे कहते हैं मध्य लोक की हाइट ज्योतिष लोक तक है। वे कहते हैं मध्य लोक की हाइट जहाँ तक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं वहाँ तक मध्य लोक है और ऊपर ऊर्ध्व लोक है, इतना उन लोगों का कहना है। माने ऐसा कहते हैं हजार योजन की जड़ और 790 तो 1790-1800 योजन का करीब करीब वो मध्य लोक मानते हैं। ये मैंने बात कही है, वो याद नहीं रखनी है आपको, इतनी ही बात याद रखनी है कि 140,000 योजन की हाइट मध्य लोक की है। चलिए मध्य लोक की रचना किस प्रकार की है, दो मिनट में ये बात कह करके मैं मेरु पर्वत की रचना की तरफ बढ़ूंगा आपके सामने। मध्य लोक की रचना कैसी है? जो हमने तीन लोक की रचना देखी थी ना, उसमें एक त्रस नाड़ी थी, ध्यान है सभी को, लोक के सेंटर में त्रस नाड़ी थी। अब उस त्रस नाड़ी यहाँ भी दिख रही है, इस त्रस नाड़ी को में बीच में से मध्य लोक को निकालो, एक प्लेट निकालो सेंटर में, यहाँ से एक प्लेट निकाली अपन ने इस जगह से, और प्लेट निकालने के बाद उसको ऐसे आड़ा कर दिया तो मध्य लोक की जो शेप बनेगी त्रस नाड़ी के हिसाब से वो कैसी बनेगी? यहाँ से, क्योंकि ऐसा ही है ना मध्य लोक, तो ऊपर तो ऊर्ध्व लोक है नीचे अधो लोक है, मध्य लोक एक लाइन जैसा है, तो यहाँ से बाहर निकला और त्रस नाड़ी एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी थी, ऐसा स्क्वायर मध्य लोक निकल जाएगा। प्लेट को अपन ने सीधा कर दिया। अब इसमें क्या स्थिति है? तो कहा इसमें बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं इस सब में, वो देखो स्क्रीन पर, उधर देखो आप, ऐसा दिखेगा आपको मध्य लोक। क्या स्थिति है? त्रस नाड़ी में ऊपर से देखने पर मध्य लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों का दृश्य कैसा दिखता है? ऐसा दृश्य दिखेगा। माने ऊपर त्रस नाड़ी पर से जब अपन ने देखा तो हमारे को किस प्रकार का दिखाई दिया? त्रस नाड़ी से देखने पर राउंड 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 सर्किल इस तरह के हमारे को दिखाई देंगे। आपको मालूम है मध्य लोक में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। यहाँ भी जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इन सभी दृश्यों में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्षेत्र है बाहर वाला एरिया, और जितने ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये सब समुद्र हैं। तो एक द्वीप, फिर चारों तरफ से घेरे हुए समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। रोजाना विधान में, पूजाओं में,
हम बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे अहमदाबाद नगरे वस्त्रापुर उपनगरे, ऐसा बोलते हैं अर्घ चढ़ाते समय। तो जम्बू द्वीप है, हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। उस जम्बू द्वीप की रचना किस प्रकार की है इसकी चर्चा कल करूंगा आपके बीच में, क्योंकि अपने को आज ये सामान्य स्वरूप समझना है। पहला हो गया जम्बू द्वीप, बीच के द्वीप समुद्रों की भी कुछ चर्चा अवसर मिलेगा तो करेंगे। अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण, स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप। अंतिम का नाम क्या है? स्वयंभू रमण द्वीप। आपने गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार ऐसी बात सुनी होगी उस महामच्छ के बारे में, तंदुल मच्छ महामच्छ, सुनी है ना ऐसी चर्चाएं? कितना बड़ा होता है वो, हजार योजन लंबाई होती है उसकी महामच्छ की, 1000 योजन। और एक योजन है 4 कोस वाला, कारण बता सकते हैं कोई 4 कोस वाला योजन क्यों लिया? मनुष्यों और त्रियंचों की शरीर की हाइट है, इसलिए शरीर मकान भवन उन सब की हाइट 4 कोस वाले योजन से ली जाती है, और अकृत्रिम रचनाएं वो 2000 कोस वाले योजन से होती है। माने 4 कोस का एक योजन, 1000 योजन माने 4000 कोस, 4000 कोस माने 12000 किलोमीटर का लगभग है वो महामच्छ। अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, 1000 योजन ऐसे ही चल रहा था, जब मैंने किलोमीटर में बतलाया था वही 12000 किलोमीटर की लेंथ है उसकी, उस महामच्छे की। काल्पनिक बातें दिखाई देगी हमारे को, ऐसा लगेगा क्या बातें कर रहे हो आप पागलों जैसी, कि भाई साहब ये अलौकिक गणित है, अलौकिक बातें हैं ये सब, ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, ये शंका करने योग्य नहीं है। उस स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे महामच्छ कितने सम्यक दृष्टि हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, मुंह फाड़ करके बैठा रहता है, और उसकी आंख नाक कान के आसपास एक छोटा सा मच्छ और होता है तंदुल जैसा, तंदुल माने होता है चावल, चावल के जैसा छोटा सा मच्छ होता है, चावल जैसे आकार का इतना सा, उसके आकार के हिसाब से कितना सा होगा वो, आंख नाक कान के पास में बैठा हुआ। जब ये महामच्छ मुंह फाड़ करके बैठा हुआ होता है, पानी के बहाव से हजारों लाखों मछलियां पेट में चले जाती है, हजारों लाखों मछलियां, और पानी के बहाव से बाहर भी निकल जाती है, पेट में जाती है और बाहर निकल जाती है। और ये जो पास में बैठा है ना, कान के पास नाक आँख के पास में बैठा हुआ वो मच्छ छोटा सा, वो सोचता है ये मूर्ख, सारी मछलियाँ पेट में गई थी, मुंह बंद कर लेता तो सब खा जाता, वापस निकल गई, परिणाम बिगाड़ता है। और देखो आप भाव पाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि वो तंदुल मच्छ मरकर 7वें नरक में चला जाता है, सिर्फ इन खोटे परिणामों की वजह से। एक मछली नहीं खाई उसने जीवन में, कुछ नहीं खा पाया, लेकिन मैं इसकी जगह मैं होता ना तो मैं ऐसा कर लेता, इसकी जगह मैं होता ना तो इतनी हेर फेर कर सकता था, इसके पास जो डिपार्टमेंट है ना, ये कैसा डिपार्टमेंट है, चाहे तो भाई साहब कुछ का कुछ कर सकता है, इसकी जगह मैं होता ना तो आज तो राज करता अरबों खरबों में, क्या ऐसा सोचता है व्यक्ति। तो बैठे बैठे पाप बांध रहा है जबरदस्ती आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की वजह से, ये स्वयंभू रमण समुद्र। चलिए सेंटर वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या बतलाया? जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के सेंटर में है सुमेरु नाम का पर्वत, जम्बू द्वीप के सेंटर में ये सुमेरु पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, सुदर्शन मेरु इस पर्वत का नाम है, शॉर्ट में कहते हैं सुमेरु। इस सुमेरु पर्वत की रचना को हम एक बार, क्योंकि यहाँ आपको कितना समझ में आ पाएगा मुझे पता नहीं, इसी पे समझाऊँ क्या, बोर्ड पे लूँ 2 मिनट, बोर्ड दिखता नहीं है पीछे, पीछे वालों को बोर्ड नहीं दिखता है ना, बहुत दूर है पीछे लोग, इस पे देखो, देखिए इसमें क्या है, सुमेरु पर्वत पर सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पर एक वन दिखाई दे रहा है, ग्राउंड लेवल पर इस वन का नाम है भद्रसाल वन, जो जमीन पर है। आपके ऊपर भी मेरु पर्वत विराजमान है ना, पंचमेरु, उन मेरुओं में जो ग्राउंड पर एक वन है चारों तरफ चारों दिशाओं में, इसका नाम है भद्रसाल नाम का वन, जो कि जमीन पर है, बराबर। इससे कुछ ऊपर चलें, कितना ऊपर चलें इस भद्रसाल वन से, तो हम इस भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर जाएं चारों तरफ से,
राउंड शेप में। ये जो सुमेरु नाम का पर्वत है, हम कह रहे हैं जमीन से 500 योजन ऊपर जाइए। क्या 500 योजन ऊपर जाने पर ये पर्वत चारों तरफ से कट गया? नहीं नहीं समझ में आएगी। देखिए ऐसा है, गोलाकार पर्वत है, राउंड शेप में है। आप देखते ही रोजाना अपन दर्शन करते हैं, राउंड शेप में है ये पर्वत। जमीन पर तो एक भद्रसाल नाम का वन है, ठीक है। इससे ऊपर चलें, चारों तरफ से ऊपर चलें, तो चारों तरफ से 500 योजन ऊपर जाने पर एक कट बन गया है 500 योजन का। तो चारों तरफ से पर्वत कट गया है 500 योजन, और एक दूसरा वन है वहां, उसका नाम है नंदन वन। पहले वन का नाम क्या था? भद्रसाल वन। दूसरे वन का नाम क्या है? नंदन वन। याद रहेगा इतना, दो वन के नाम याद रहेंगे। पहले का नाम भद्रसाल, भद्रसाल कहां पर है? मेरु पर्वतों के ग्राउंड लेवल पर है भद्रसाल नाम का वन। नंदन वन कहां है? 500 योजन ऊपर जाकर पर्वत चारों तरफ से कट गया। और जो कटनी है ना, कटनी, कटनी जानते हैं ना, जो कट लगा है उस कटनी पर है वन, वो है नंदन वन। अब इसके बाद ये चलना है अपने को 62,500 योजन ऊपर। यहां पर नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, तो कौन सा वन आएगा? सोमनस वन, तीसरा वन। पहला भद्रसाल वन, दूसरा नंदन वन, तीसरा नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर। इसका मतलब ग्राउंड लेवल से 63,000 योजन ऊपर जो वन है, उसका नाम है सोमनस नाम का वन। एक बात जो विशेष यहाँ कहनी है कि जब नंदन वन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 11,000 योजन तक तो ये पर्वत गया है स्ट्रेट सीधा। अभी बोर्ड पे बना था ना, एक एक लाइन खींच के दिखा था आपको, तो भाव वसन ज़्यादा होता। माने ये स्ट्रेट सीधा यहाँ 11,000 योजन तक, और 51,500 योजन कटता हुआ गया है, थोड़ा सा थोड़ा तिरछा होता गया है। और टोटल 62,500 योजन ऊपर जाने पर ये पर्वत चारों तरफ से 5,500 योजन कट गया। यहाँ से, यहाँ से 5,500 योजन चारों तरफ से कट गया। इस कटनी पर जो वन है उसका नाम है सोमनस वन, ठीक है। और इससे भी ऊपर चलो तो शिखर पर जब पहुँचते हैं तो एक और वन है, उसका नाम है पांडुक वन। वो है 36,000 योजन की हाइट पर जाने पर मेरू के शिखर पर पहुँच गए, अपन टॉप लेवल पर पहुंच गए। 36,000 योजन और ऊपर पहुंचे तो कहां पहुंच गए हम? पांडुक वन में पहुंच गए हैं। अभी यहां भी वही स्थिति है, सोमनस वन से 11,000 योजन तक तो सीधा गया है पर्वत, और 25,000 योजन तक कटता हुआ गया है। मुझे बतलाइए जमीन से कितनी हाइट पे पहुंच गए अपन लोग? जमीन से कितनी हाइट पे पहुंच गए? 96 पक्का? 96 के 99, ये 500 है, ये 63 हो गया, ये 63 और 36, 99, 99,000 योजन की ऊंचाई पर पहुंच गए। तो हम पहुंचते हैं मेरु पर्वत के टॉप लेवल पर, टॉप लेवल पर पहुंच गए अपन सुमेरु पर्वत के टॉप पर। जब हम सुमेरु पर्वत के टॉप लेवल पर पहुंचते हैं तो हमारे को वहां उस लेवल पर चारों तरफ से ये पर्वत कितना कटा हुआ दिखाई देता है। तो ये है 494 कट गया है यहाँ इस जगह पर पर्वत, और सेंटर में एक चूली का बन गई है 12 योजन चौड़ाई और 40 योजन हाइट, गोलाकार। उधर से नहीं ख्याल में आएगा भाऊजी कुछ भी, अभी तो मैं दिखाने वाला हूँ, दर्शन कराने वाला हूँ, अभी तो स्क्रीन के पीछे से कुछ नहीं ख्याल में आएगी बात। चलो कोई बात नहीं, जगह ही नहीं, क्या करें।
हाँ चूलिका का नाप अभी बताऊंगा, चूलिका की तरफ बढ़ूंगा अभी, चूलिका का अलग पिक्चर निकाल करके दिखाऊंगा। चलो लिख लो 12 योजन तो है ये चौड़ाई। चलो पांडुकवन दिखाता हूँ पहले आपको, पांडुकवन देखो आप, देखिए ये इतना समझ में आ गया कि आपको हाइट वगैरह सब समझ में आ गई क्या? इनके ऊपर चैत्यालय दिख रहे हैं क्या आपको? इन पे चैत्यालय दिख रहे हैं क्या? मंदिर दिख रहे हैं क्या? चैत्यालय माने मंदिर, अकृत्रिम जैन मंदिर नहीं दिख रहे हैं? अभी दिखेंगे थोड़ी देर बाद में। देखो पांडुकवन, पांडुकवन कहाँ था? सबसे ऊपर वाले वन का नाम पांडुकवन। ये पांडुकवन की रचना किस प्रकार की है? ये ऐसी रचना है पांडुकवन की, ये पांडुकवन की रचना है। आपने जो पीछे सुमेरु नाम का पर्वत देखा उसमें कितने वन थे भैया? कितने वन थे? वन कितने थे राहुल भाई? चार वन थे सोम, चार। पहले वन का नाम भद्रसाल, दूसरा नंदन, तीसरा सोमनस, चौथा पांडुक। चार वन हैं। इन चारों ही वनों में, चारों ही वनों में, चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है सभी जगह पर। तो एक मेरु पर्वत के ऊपर कितने मंदिर होंगे? नहीं नहीं ख्याल, अभी अभी सबको ऐसे लग रहा है ये क्या बता रहे हैं ये। अभी देखो ये जो वन थे ना, भद्रसाल वन है ये, तो इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में चारों तरफ एक एक चैत्यालय है, एक एक मंदिर है, अकृत्रिम जिन मंदिर है। नंदन वन की भी चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है, सोमनस वन की भी चारों दिशाओं में एक एक मंदिर है, और पांडुक वन पर भी चूलिका के चारों तरफ एक एक जिन मंदिर है। कितने हो गए? 16 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 16 में से एक की चर्चा कर रहे हैं अपन, पांडुक वन की। शिखर पर पहुंचे अपन, तो इस पांडुक वन में क्या क्या है? चारों दिशाओं में तो जिनालय है, चार दिशा में जिनालय दिख रहे हैं। अपन कौन सी जगह पर है इस समय? टॉप लेवल पर, मेरू पर्वत के टॉप लेवल पर है इस समय अपन। उस मेरू पर्वत के टॉप लेवल पर सेंटर में तो है चूलिका, अभी अलग से दिखाएंगे आपको, सेंटर में तो चूलिका है, और नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में और वेस्ट में एक एक मंदिर है। अभी ये विदिशाओं में है शिलाएं, ये कौन सी शिलाएं हैं? ये वो शिलाएं हैं जब आपके पंच कल्याणक में आप कहां ले गए थे बाल तीर्थंकर को? पांडुक वन की पांडुक शिला पर। क्या वो पांडुक शिला कहां है जिस पांडुक शिला पर ले गए थे जन्माभिषेक के लिए? पांडुक वन में है, और वो पांडुक वन है धरती से 99,000 योजन ऊपर। आप देखिए सूर्य चंद्रमा वगैरह की चर्चा भी अवसर मिलेगा तो आपके बीच में करूंगा। सूर्य चंद्रमा वगैरह की हाइट रह जाती है 800-900 योजन तक, 790 योजन से लेकर के 900 योजन तक का एरिया है सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारों का। क्या सेवंती भाई, 790 से 900 योजन तक, 900 लेस देन 1000, और ये कितना है? 99,000 योजन। इसका मतलब सूर्य चंद्रमा तो बहुत नीचे रह गए, और बाल तीर्थंकर को कहां ले जाया गया है? सुमेरु पर्वत के टॉप पर, और वहां ले गए तो चारों तरफ है शिलाएं। एक शिला का नाम है पांडुक शिला, दूसरी शिला का नाम है पांडु कंबला शिला, तीसरी का नाम है रक्त शिला, चौथी का नाम है रक्त कंबला शिला। चार शिलाएं हैं ये। इन शिलाओं के ऊपर बाल तीर्थंकरों को बिठाकर उनका जन्माभिषेक होता है। चार शिलाएं हैं, इनमें कौन सी दिशा में कौन सी शिलाएं हैं? तो देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट जो दिखती है, इस नॉर्थ ईस्ट वाली इस शिला का नाम है पांडुक शिला। अलग अलग तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं, अभी हम जम्बूद्वीप जब गहराई से समझेंगे तो आपको इसकी तरफ ले जाएंगे हम, कि जम्बूद्वीप में चार एरिया ऐसे होते हैं
जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है। कहाँ कहाँ? एक भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में, एक पूर्व विदेह क्षेत्र में, एक पश्चिम विदेह क्षेत्र में। चार एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है। सबका जन्माभिषेक कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की इन शिलाओं पर, लेकिन अलग अलग शिलाओं पर अलग अलग होता है। देखिए, जैसे भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, स्क्रीन पे नहीं लिखा, जिनको लिखना हो वे लिख ले। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, नॉर्थ ईस्ट में है पांडुक शिला, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। फिर भरत क्षेत्र के बाद चलो आगे तो पश्चिम विदेह क्षेत्र, पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडु कम्बला शिला पर। ये पांडु कम्बला है इस दिशा में, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में है पांडु कम्बला शिला, यहाँ पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। फिर इधर आ जाओ, कौन सी दिशा है ये? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में शिला है, इसका नाम है रक्त शिला। इसका दूसरा नाम कहीं कहीं लोग सुधार करके रत्न शिला भी कहते हैं। ये रक्त अच्छा नहीं लगता है ना, ब्लड जैसा, तो रत्न कह देते हैं। रत्न भी शब्द मिलता है आगम में, क्या करें, लेकिन बाहुल्यता से मिलता है रक्त शिला। इस रक्त शिला पर ऐरावत क्षेत्र के बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, इस रक्त शिला पर। फिर एक रक्त कम्बला शिला, इस पर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ये दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में वाली शिला का नाम रक्त कम्बला शिला है, और इस पर पश्चिम पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, पूर्व विदेह वालों का। ये जो शिलाएं कही गई है, हाँ जी, ऐरावत बताया ना, रक्तशिला, रक्तशिला के ऊपर, ये रक्तशिला, ये वाली रक्तशिला के ऊपर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। चारों हो गई, वापस बोलूं? वापस सुनो, वापस सुनो, ऐसे सीरियल से चलो। ये यहाँ से चलो, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुकशिला, पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडु कम्बला शिला, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्तशिला, और पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त कम्बला शिला पर। ये शिलाएं किस प्रकार की है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, शिलाई दिखा रहा हूँ आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं, शिला की हाइट कितनी है, मैं शिलाई दिखा देता हूँ। पांडुक आदि चार शिलाओं को देखिए कैसी दिखती है, लंबाई चौड़ाई हाइट कैसी है इन शिलाओं की। पांडुक वन में जो शिलाएं हैं वे शिलाएं इस प्रकार की दिखती हैं। कैसी है ये? कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं समझाता हूँ। ये तो है इसकी लंबाई इस तरह से, ये है इसकी चौड़ाई, और ये राउंड शेप में है नीचे से, ये है इसकी ऊंचाई कह सकते हैं अपन, हाइट। ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे तख्त होता है ना, तख्त, तख्त है तो उसके तो चार पाए होते हैं, तो उसकी लंबाई होगी 6 फीट की, चौड़ाई होगी 2.5 फीट 3 फीट की, और नीचे से चार पाए हटा करके ऐसे चंद्राकार बना दो उसको। समझ में आ रही है शेप किस तरह की होगी, लंबाई परम, समझ में आ रही बात बेटा, क्या है? देखो ये लंबाई हो गई, फिर ये चौड़ाई हो गई, और नीचे से ऐसे राउंड शेप में है। तो कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है? तो देखो इसकी लंबाई तो है 100 योजन की इन शिलाओं की, चौड़ाई है इनकी 50 योजन की, और सेंटर ऊंचाई है इनकी 8 योजन की, बराबर। और इन पर सेंटर में बने हुए हैं आसन, 3 गोले दिख रहे हैं ना आपको, ये इन पर बने हुए इस तरह के आसन, ये आसन बने हुए हैं। दूसरा चित्र दिख रहा है, ये है आसन, इनमें से सेंटर वाले को कहते हैं सिंहासन, सेंटर पर इस तरह का आसन बना हुआ होता है, और जो बाकी 2 होते हैं इनको कहते हैं भद्रासन।
तो ये आसन 500 धनुष की हाइट वाला है जो इन शिलाओं के सेंटर में है। यहाँ इस सिंहासन के ऊपर बाल तीर्थंकर को करते हैं विराजमान, और एक सिंहासन एक आसन के ऊपर सौधर्म इंद्र खड़ा होता है और दूसरे आसन के ऊपर ईशान इंद्र खड़ा होता है, और यहाँ विराजमान बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया जाता है। पता है कौन से कलशों से? वसुयोजन गहराई वाले, चहुयोजन मोटाई वाले, एक योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे जिन राजा। सुना आपने कभी ये भजन? आज जन्मे हुए बाल तीर्थंकर, जिस बाल तीर्थंकर का जन्म आज हुआ है, उस बाल तीर्थंकर को ले जाएंगे वहां। दो चार छह महीने का नहीं, दो चार साल का तो सवाल ही नहीं है। आज जिसका जन्म हुआ हो वो बाल तीर्थंकर, उसे 1008 कलशों से अभिषेक करने के लिए यहां ले जाते हैं। नगरी की रचना होती है, छह महीने पहले से रत्नों की बरसात होती है, ऊपर से सौधर्म इंद्र आता है ऐरावत हाथी को लेकर, और ऐरावत हाथी पर वो बाल तीर्थंकर को बिठाता है। इंद्राणी प्रसूति गृह में जाती है, सारे दृश्य सौधर्म इंद्र साहब हैं, कहाँ हैं आप? है ना निखिल भाई है, निखिल भाई सारा दृश्य दिमाग में घूम रहा होगा। सौधर्म इंद्राणी अंदर चले गई प्रसूति गृह में, और अंदर से मायामयी दूसरे बालक को लिटाकर और बाल तीर्थंकर को अपनी गोद में ले आती हैं, और बाहर आकर हरि ने नेत्र हजार बनाए, हजार हजार नेत्र बना करके देखता है तो भी हो पाए, हजार हजार नेत्र बना करके सौधर्म इंद्र देखे तो भी तृप्त नहीं हो पाता है, और फिर उस विशाल ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा कर, उस ऐरावत हाथी का भी गजब का स्वरूप है, आठ आठ तो मुख होते हैं उस ऐरावत हाथी के, आठ मुख होते हैं, एक एक मुख में 32-32 दांत होते हैं, एक एक दांत के ऊपर सरोवर, और सरोवर के ऊपर कमल, फिर कमलनिया उनके पत्ते, एक एक पत्ते के ऊपर एक एक स्वर्ग की देवांगना नृत्य करती हुई चलती है। क्या दृश्य होता होगा उसका? पूरी की पूरी सौधर्म इंद्र का लवाजमा जाता है कहां तक? मेरु पर्वत के शिखर पर, और यहां बाल तीर्थंकर को विराजमान कर दिया, बराबर इस जगह विराजमान हो गए। अब यहां विराजमान करने के बाद कितना बड़ा कलश बतलाया अभी हमने आपको, इतना बड़ा कलश होता है भैया, एक कलश का पानी आपके वस्त्रापुर में डाल दिया जाए तो वस्त्रापुर में नहीं अहमदाबाद में बाढ़ आ जाए, क्या अहमदाबाद डूब जाए? 96 किलोमीटर की गहराई होती है उसकी, 96 किलोमीटर। अहमदाबाद कितना है? 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डायमीटर। अरे कितना भी होगा कुल मिलाकर के 96 से तो कम है, 96 किलोमीटर की डेप्थ, 12 किलोमीटर का उसका मुख। ऐसे कलश से आज के जन्मे हुए बालक को यहां बिठा करके जन्माभिषेक किया जाता है, और एक कलश से नहीं 1008 कलशों से जन्माभिषेक होता है। बालक पद्मासन लगा करके बैठता है, क्या स्थिति होती होगी? अब कहां ऋषभ देव जैसे महापुरुष, और कहां ये अपने अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, हाइट में तो जमीन आसमान का अंतर है उनमें। सौधर्म इंद्र भी घबरा जाता है कि क्या होगा, घबराहट सी महसूस होने लग जाती है। देखो आप ऐसे 1008 कलशों से किया जन्माभिषेक, और वो जो कलश हैं, कल हमने थोड़ी बहुत बात की थी आपके बीच में जिसमें बतलाया था कि कलशों की साइज क्या होती होगी, कल प्रश्न आया था मेरे पास में किसी का, एक विद्वान है उनका, क्या कैसी साइज कैसी होती होगी? तो सुनो, जिस कलश से ऋषभदेव का अभिषेक हुआ उसी साइज के कलश से महावीर भगवान का जन्माभिषेक का नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल बनी नहीं सकती ये बात। तो आत्मांगुल से बात बनेगी,
हर हर तीर्थंकर के साइज के हिसाब से वो साइज बदलती चली जाएगी, ऐसा होगा। बहुत काम का है आत्मांगुल। जैसे तीर्थंकरों के समव शरण की रचना होती है, तो समव शरण की रचना होने पर वे कमल से चार अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। अब वो चार अंगुल ऋषभ देव के चार अंगुल यदि इतनी दूरी पर महावीर स्वामी विराजमान हो तो कमल तो बहुत नीचे रह जाएगा और महावीर स्वामी बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। और यदि महावीर स्वामी जितने चार अंगुल की दूरी पर ऋषभ देव बैठे हुए हों तो ऐसे लगेगा कि कोई गैप ही नहीं है क्या। इतनी तो रुमाल की थिकनेस होती होगी उस जमाने में, तो रुमाल भी नहीं निकल पाए, ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए आत्मांगुल से वो सारी नाप वगैरह होती है। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, मुझे कितने बजे तक चलाना है ये बतला दीजिए कार्यक्रम की दृष्टि से। मेरे दिमाग में इतनी बातें घूम रही है, क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं। कितने, सवा नौ तक, साढ़े नौ तक, क्या सवा नौ, सवा नौ तक चलाना ना। हाँ, 15 मिनट है अभी अपने पास में, बहुत सारी बातें, इतनी बातें खड़ी होती हैं। अरे साहब कहाँ से लेकर के आते हैं इतना पानी, 1008 कलशों की बात कर रहे हो आप, तो जवाब है पांचवें क्षीर समुद्र से लेकर के आते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, हम सब तो आत्मार्थी लोग हैं, बिना छना जल काम न लेंगे, भागवत पाठ मालाओं से पढ़ते रहे हम तो, और बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक बिना छने पानी से कौन छानता होगा, नहीं जानते, बिना छने से कर देते। सुनो, ढाई द्वीप के बाहर जितने द्वीप समुद्र हैं, ढाई द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमण समुद्र आधे द्वीप के पहले तक जितने द्वीप समुद्र हैं सब में भोग भूमियाँ हैं, भोग भूमि का एरिया है वो सब। और भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते क्या, एक इंद्री का तो सर्वत्र सद्भाव है, एक इंद्री की तो बात क्या कर सकते हैं। भोग भूमि में विकलत्रय जीव भी नहीं होते, जलचर जीव भी नहीं होते और विकलत्रय जीव भी नहीं होते, दोनों ही तरह के जीव नहीं है। इसलिए वो पानी शुद्धवत ही है, उसे छानने की जरूरत नहीं होती। ऐसे 1008 कलशों से किया अभिषेक, अब फिर प्रश्न नया खड़ा हो गया कि यार इतना पानी ढोलेंगे तो हिंसा कितनी होगी क्या। आप तो धमाधम धमाधम डाले जा रहे हो इतना पानी, इतने 96 किलोमीटर हाइट वाले 8 योजन की जिसकी गहराई है, ऐसे 1008 कलश आपने ढोल दिए और पानी बह रहा है और नीचे पर्वत के ऊपर दूसरा वन है, वहाँ चैत्यालय है, कहाँ तक पानी जाएगा, क्या होगा। तो सुनो भैया, रंच मात्र भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि असंख्यात देव हैं, एक एक बूंद को भी यदि वे अपने सर पे लगाते हैं तो पानी नीचे बहता ही नहीं है। असंख्यात हैं देव, क्षीर समुद्र से लेकर के वहां तक लाइन लगा करके खड़े हुए हैं बाल तीर्थंकर का अभिषेक करने के लिए। चलिए, ये थोड़ी बहुत बात मैंने कही, सिंहासन पे बिठाते हैं और भद्रासन वगैरह के ऊपर खड़े होकर के जन्माभिषेक किया जाता है। चूली का जो है, ये चूली का बतलाई थी ना अभी आपको, ये चूली का माने चोटी, चूली का कहते हैं शिखर। इस चूली का के ऊपर से, चूली का की हाइट है 40 योजन की, ऊंचाई कही गई है 40 योजन और नीचे है ये 12 योजन की, गोलाकार है ना, 12 योजन की है, और ऊपर जाकर के ये 4 योजन मात्र की रह गई है। इस चूली का कलर है नील कंठ मणि के कलर का, माने ब्लू कलर का है चूली का कलर। सुमेरु पर्वत के संदर्भ में भी मैं आपको बात बतला दूं, कुछ बहुत सारे चित्र दिखाने वाला हूं, अभी मैं आपको ये सारे दृश्य दिखाने वाला हूं, आपका मन खुश हो जाए। चैत्यालयों की वंदना तक कराने का भाव था मेरा, तो आप देखते हैं कितना किसका पुण्योदय है, कौन कर पाएगा। सो देखिए, ये सब चूलिका की बात हुई। ये जो सुमेरु नाम का पर्वत है, सुमेरु पर्वत, चारों तरफ तो है लवण समुद्र, जम्बूद्वीप के चारों तरफ ये लवण नाम का समुद्र है, बीच में जम्बू नाम का एक द्वीप है और एक सुमेरु नाम का पर्वत नीचे से ऊपर तक खड़ा हुआ है। इस सुमेरु पर्वत के टॉप पर तो है चूली का, वो तो है नील मणिमय। सुमेरु पर्वत की हाइट कही गई है 1,40,000 योजन,
बराबर, जिसमें से 1000 योजन की है नींव, 1000 योजन है जड़, वो है वज्र की। माने नीचे सुमेरु पर्वत की जो जड़ है वो वज्र की है। फिर यहाँ से जमीन से ऊपर चलें तो 61,000 योजन तक विविध प्रकार की विचित्र मणियाँ जड़ी हुई है इसमें, विचित्र मणियों से जड़ित है 61,000 योजन तक। और उसके ऊपर 38,000 योजन गोल्ड का है सुमेरु पर्वत, 38,000 योजन। तो आप लोगों को ऐसा गोल्ड का पर्वत, हाँ लंबी लंबी फेंके जाओ ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, कहाँ लंबी लंबी फेंकने की बात है। एक्चुअल में क्या होता है, हमने गोल्ड देखा नहीं ना ज़्यादा, तो हमें ऐसे लगता है गोल्ड के भी कोई पहाड़ होते हैं क्या, क्या क्यों कोठारी जी हो सकते हैं कि नहीं, कह रहे हैं उनको हो सकते हैं क्या। देखो 38,000 योजन गोल्ड का है और ऊपर 40 योजन की नीलमणिमय चूली का है। चलिए अब देखते हैं इस मेरू पर्वत को थोड़ा नज़दीक से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जम्बू द्वीप और सेंटर में है सुमेरु नाम का पर्वत, बराबर। थोड़ा और नज़दीक से देखो, इसके चैत्यालय आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, सुमेरु पर्वत दिख रहा है, चारों तरफ जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप की रचना की चर्चा आपके बीच में कल करेंगे, बतलाएंगे उसको विस्तार से। ये दो तरफ हैं गजदंत पर्वत और यहाँ पर चैत्यालय दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को, नीचे भद्रसाल वन पर नहीं दिख रहे हैं। अब देखो, अब दिख रहे हैं या नहीं, अब दिखे क्या भद्रसाल वन के जिनाले, अभी भी नहीं दिखे। अरे यार आंखें क्या करूं मैं, और जूम करो भाई कैमरा थोड़ा सा ऊपर से सैटेलाइट से, सोनू जी कैमरा जूम करना थोड़ा सा। ये देखो और जूम किया, अब दिख रहा है कि नहीं, यहां भद्रसाल नाम का वन दिख रहा है नीचे। अभी भी यदि नहीं दिखा हो और जूम करते हैं थोड़ा सा, ये लो अब तो दिख रहा है, अब तो सबको दिख गया। और अब भी नहीं दिखे तो कल डॉक्टर के जाना, इतना भी नहीं दिखे तो फिर क्या करें बोलो चिरन भाई। जमीन पर तो है भद्रसाल नाम का वन, इस जगह पर भद्रसाल वन पर ये चैत्यालय दिख रहे हैं, यहाँ ये दिख रहा है, ये चैत्यालय भद्रसाल वन वाला है। इधर भी भद्रसाल वन पर है, चार जनालय हैं, उधर भी है और पीछे भी है। यहाँ से ऊपर चले 500 योजन की हाइट पर चलने पर ये कट गया था, कौन सा वन था भैया भूल गया मैं तो, नंदन वन। ओ ये देवों के पिकनिक स्पॉट है, देव लोग जाते हैं नंदन वन में घूमने के लिए, नंदन वन में सोमनाथ वन पर। तो ये 500 योजन ऊपर जाकर हम पहुंच गए नंदन वन की तरफ। चलो कुछ और ऊपर चलें, अब कितना ऊपर चलें बताओ, 500 तक तो चले गए, और कितना चलना है, 62,500 योजन ऊपर तक चलना है, 62,500 योजन ऊपर तक। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ऊपर, चलो 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 जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, दौड़ो जल्दी। कहां पे पहुंच गए अपन, दिखा कुछ, ये देखो 62,500 योजन पर पहुंचने पर चारों तरफ से फिर एक कटनी आ गई है, ये कट गया है। और इस कटनी पर फिर है जिनालय, चारों तरफ कौन सा वन है, ये सोमनस नाम का वन। और इस सोमनस वन से भी ऊपर चलो, कितना चलना है और ऊपर, 36,000 योजन ऊपर चलो, कहां पहुंचेंगे, पांडुक वन में। चलो पांडुक वन पे पहुंचते हैं, ये पांडुक वन पे पहुंच गए, चारों तरफ चार जनालय दिखाई दे रहे हैं हमारे को है? चारों तरफ अन्य विदिशाओं में शिलाएं दिखाई दे रही है पांडुक वन पर। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रही हो तो ढंग से दिखाऊं, ये टॉप पे पहुंच गए अपन, ये चूली का और नजदीक से देख लो, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए अपन। ये सारा काम चल रहा है मेरा इसके ऊपर, डिजिटल वर्क चल रहा है। तो कल परसों आप लोगों को अब मौका लगेगा, देखो वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, अब कौन भाग्यशाली होंगे जो देख पाएंगे मुझे नहीं पता है, रात को ही दिखाऊंगा बेटा,
कोई बात नहीं, रात को ही दिखाएंगे। चलो तो इस तरह से ये सुमेरु पर्वत के ये यहाँ चारों तरफ के जनालय 16 जनालय हो गए। भद्रसाल वन के 4, नंदन वन पर 4, सोमनस वन पर 4, पांडुक वन पर 4, टोटल 16। ये कौन से की चर्चा हुई? एक मेरु पर्वत की बात हुई जिसका नाम है सुदर्शन मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत इसका नाम है। और ऐसे पर्वत हैं 5, वे 5 कहां कहां पर हैं, उनकी हाइट वगैरह में थोड़ा बहुत फर्क है, उसकी चर्चा करूंगा फिर आपके बीच में कुछ दिन में, एक दो दिन में जब भी चर्चा बनेगी उनकी लोकेशन बतलाएंगे, फिर उनकी हाइट की चर्चा करेंगे। एक मेरु पर 16 जनालय, तो 5 मेरुओं पर 5ों मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम, महा सुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ये 5ों मेरु पर्वत, आप सोचो पंच मेरु पूजा को शुरू करते समय ध्यानत राय जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, गजब शब्द दिए हैं, तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा। इन पंच मेरु पर्वतों की देव लोग प्रदक्षिणा दिया करते हैं, किस लिए? क्योंकि बाल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से मानो ये तीर्थ क्षेत्र बन गए हों, ऐसा ये सुमेरु पर्वत। देखिए इस सुमेरु पर्वत के संदर्भ में कुछ और दो चार बातें मुझे आपको बतलानी है। बतलानी क्या है जी? इसको जानने से कुछ प्रयोजन, हाँ क्या? पांडुकशिला बताई ना मैंने भी, पांडुकशिला बतलाई ना, पांडुकशिला 100 योजन चूलिका के बाजू में, वो नहीं दिखाई मैंने। हाँ वो कैमरा जूम करके वहां तक लाना पड़ेगा, करेंगे दिखाएंगे उसको आगे, है ना। देखिए प्रश्न है, क्या कल्पांत की हवाएं चूलिका को हिलाने में समर्थ हो सकती है? बहुत मार्मिक बात कहना चाहता हूँ, अंत कर रहे हैं अपन इस प्रकरण का अभी आज की तारीख के लिए। भक्तामर स्तोत्र में एक श्लोक आता है, कौन सा? 15 नंबर का श्लोक है। 3 जगह पर कल्पांत की हवाओं की चर्चा की है भक्तामर स्तोत्र में, लगभग सब लोगों को याद होगा 15 नंबर का श्लोक। किसे याद है बच्चे को, जल्दी बोलो। चित्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ऐसी बात कही है, सुनो मेरु पर्वत की शिखर मात्र को भी, उसकी चूलिका मात्र को भी हिलाने की सामर्थ्य कल्पांत के समय में बहने वाली उन हवाओं में नहीं है जो हवाएं पर्वतों को भी उड़ा करके ले जाती है। कल्पांत की हवाएं कैसी होती है, अवसर मिलेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। प्रलय कहाँ आती है, कैसे आती है, क्या होता है, उन सब की चर्चा करेंगे आपके बीच में। कल्पांत माने कल्प काल होता है, 6 अवसर्पणी के काल, 6 उत्सर्पणी के काल, इन 12 कालों को मिलाकर एक कल्प काल कहलाता है। और जब इस कल्प काल का अंत समय आता है तो धरती पर कुछ हिस्सों पर प्रलय आती है और पर्वत जैसी बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी उड़ जाती हैं हवा में। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो हवाएं मेरु पर्वत के शिखर को भी हिला सकती हैं? नहीं हिला सकती है, ये सुदर्शन मेरु की महिमा है। भाई साहब एक पवैया जी ने पंच मेरु नंदीश्वर विधान लिखा है, उसकी 2 पंक्तियां और उसकी चर्चा करके बात को पूरी करूंगा। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है, पंच मेरु नंदीश्वर विधान पवैया जी का लिखा हुआ। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत विख्यात अनुपम है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है।
अरे जिस तरह से कल्पांत की हवाएं मेरु पर्वत के शिखर को विचलित नहीं कर सकती, उसी तरह से इस चैतन्य सुमेरु को ये राग द्वेष काम क्रोध और मिथ्यात्व की हवाएं विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकती। ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा अपना सदा काल इस देह देवालय में विराजमान है, उसके दर्शन करने पर ये सारा लोकालोक हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। हम सभी आत्म दर्शन करके इन सब विषयों को गहराई से देख पाए, सर्वज्ञत्व की शक्ति अपने जीवन में प्रकट हो, इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।